पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। मनोज काका, सुधांशु त्रिवेदी ने आप पर भी आरोप लगाया है कि आप लोग भी डर रहे हैं लड़ने से, इसीलिए तो अखिलेश यादव जो है कन्नौज अपने भाई को दे देते हैं। तो क्या नाचोगे? नहीं, आप सही आप कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी के हर तरह के बात का समर्थन करना, उनका बौद्धिक साझीदार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल गोदी मीडिया का अपना धर्म है। गजब बेइज्जती है। लेकिन सुधांशु जो कह रहे हैं वो शाश्वत सत्य नहीं। सुधांशु ने कई शब्द बोले, हिंदी के अच्छे ज्ञाता हैं बेचारे, बोले कि पहली बार ऐसा हुआ। सुधांशु ये तरीका आपका ठीक नहीं है। जली ना तेरी भी जली ना। सुनिए तो आप, मैं सर नहीं, सर नहीं सुनूंगी, बिल्कुल नहीं सुनूंगी आपकी बात। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। आप बदतमीजी से बात करेंगे, अजीब अजीब आरोप लगाएंगे और आपको लगता है मैं बैठ कर सुनूंगी? आप लोग दरबारियों की तरह काम करते हैं और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। प्यारी समझ गई। आप दरबारी हो तो क्या जरूरत है आपको? आप मुझे आप किसी नहीं, आप क्यों मुझे किसी से अलाइन कर रहे हैं? लोगों को ऐसे आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के? आप दरबारी होंगे किसी पार्टी के? खबरदार जो मुझे किसी पार्टी के साथ अलाइन करने की कोशिश की है। ये भगवान क्या जुलूम है। इधर उधर की ज्ञान की बातें मत कीजिए, जवाब दीजिए बस। डिबेट को डिरेल मत कीजिए। मैं डिरेल कोई डिरेल नहीं कर रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी सबसे ज्यादा इस देश में कौन डरा हुआ? सबसे ज्यादा इस देश में डरा हुआ वो व्यक्ति है जो अपने ही मुल्क में एक साल हो गए जहाँ निर्वस्त्र माताओं बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। जहाँ लोगों को कत्लेआम किया गया, जो व्यक्ति रोज 160 सभाएं अब तक कर चुका है, देश में हर जगह जाता है लेकिन अपने मणिपुर जाने में घबराता है, जो व्यक्ति ऐसे आदमी के समर्थन में सभा करता है प्रज्वल रमन्ना के, जो 3000 से ज्यादा बेटियों का बलात्कारी है। अरे देवा। जुम करो। जिसने 66 साल की महिला से लेकर 16 साल के युवती और नाबालिग बेटियों का दुष्कर्मी है, उसका प्रचारक है नरेंद्र मोदी। यह सवाल है सुधांशु से, और पूछो आप कि ये इनका क्या चरित्र है? इसका चरित्र यही है जो चिन्मय आनंद का है, इसका चरित्र यही है जो प्रज्वल रमन्ना का है, इसका चरित्र यही है जो सेंगर का है, इसका चरित्र यही है जो बिल्किस बानो के दुराचारियों को माला पहनाने का है। देश में पहली बार हुआ कि कोई प्रधानमंत्री एक प्रेस नहीं कर पाया 10 सालों में। वो कौन प्रधानमंत्री है? ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने सरहदों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लवणेन भोज्यम।